जय हिंद दोस्तों, पूरे मीरा भाईंदर में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। कई जगह पर वाटर लॉगिंग भी हुई है, पानी भर गया है। इनफैक्ट कई बिल्डिंगों के अंदर भी पानी आ गया है। और आपको जो दृश्य दिख रहा है उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। कई जगह पर पानी भर गया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मौसम में बीमार होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। खड्डों की वजह से भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है बारिश के मौसम में। अगर मैं बात करूं खड्डों की, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम टू व्हीलर से जाते हैं और खड्डों में पानी भरा रहता है, तो हमें खड्डे की गहराई का पता नहीं रहता और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है ऐसे खड्डों की वजह से। रोड पर भी पानी भरना स्टार्ट हो गया है। मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना की सिचुएशन मीरा भाईंदर में थोड़ी बहुत कंट्रोल में ही है। 300 के आसपास एक्टिव पेशेंट्स हैं। आज 24 के आसपास पेशेंट्स रिपोर्ट हुए, 40 के आसपास रिकवर भी हुए हैं। तो कोरोना की सिचुएशन मीरा भाईंदर में थोड़ी बहुत कंट्रोल में है, लेकिन मौसम ऐसा है तो मैं ये ज़रूर अपील करूँगा आप सबसे कि अपना ध्यान रखिए, गर्म पानी पिए, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। बारिश का फ्लो आप समझ सकते हो कि वाइपर जैसे ही पानी को हटा रहा है तुरंत उधर पानी जम जा रहा है। तो इससे ही आपको पता चलता है कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है मीरा भाईंदर में। और सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं, मुंबई में भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। वहाँ के भी विजुअल आपने शायद देखे होंगे। तो मैं आपको मीरा भाईंदर के कुछ विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई जगह तो बिल्डिंग में भी पानी भर गया, इनफैक्ट मेरी खुद की बिल्डिंग के अंदर पानी आ गया है। तो दोस्तों ख्याल रखें अपना और सभी प्रिकॉशंस लें। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखे, सभी को दुआओं में याद रखे। थैंक यू सो मच। पानी मत